नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी देश और देश की राजनीति को लेकर कितने गंभीर हैं, इसको लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। संसद में भी अपने व्यवहार को लेकर वो कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं, चाहे वो भरी लोकसभा में पीएम मोदी को गले लगाने की बात हो या फिर आंख मारने की घटना। वो अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनकी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसा ही कुछ गुरुवार को संसद भवन में फिर देखने को मिला, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई सरकार के अगले 5 साल के काम का प्लान सबके सामने रख रहे थे। राष्ट्रपति ने 3 तलाक, हलाला, किसान और मजदूरों से संबंधित तमाम योजनाओं पर सरकार का प्लान बताया, लेकिन राहुल गांधी इस दौरान लगातार किसी और काम में ज्यादा दिलचस्पी लेते नजर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करीब 1 घंटे तक सरकार के कामकाज की रूपरेखा रखी, लेकिन राहुल गांधी ज्यादातर समय अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहे। तमाम सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण की हर बात को ध्यान से सुन रहे थे, कई बार वो मेज थपथपाते हुए भी दिखे, लेकिन राहुल गांधी तो सदन में ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं बल्कि कोई बोरिंग लेक्चर सुन रहे थे। राष्ट्रपति के 1 घंटे के भाषण में राहुल करीब 24 मिनट तक अपने मोबाइल में ही बिजी दिखाई दिए। वो कभी कुछ स्क्रॉल करते तो कभी कुछ टाइप करते हुए भी कैमरे की नजरों में कैद हो गए। दरअसल राहुल गांधी अपनी मां और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ पहली पंक्ति में बैठे थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरुआती वक्त में तो राहुल अपना फोन ही देखते रहे, इसके बाद बाकी के वक्त में वो कई बार अपनी मां से बातें करते हुए दिखाई दिए और कभी सदन में लगी दीवारों की तस्वीरों की ओर देखते रहे। लेकिन उन्होंने शायद ही राष्ट्रपति के अभिभाषण को अच्छी तरह सुनने की कोशिश की। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कई बार सांसदों ने मेज भी थपथपाई। सोनिया गांधी भी 6 बार मेज थपथपाती हुई दिखाई दी, लेकिन राहुल ने एक बार भी इसकी जहमत नहीं उठाई। 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसद चुने जाने और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जाने पर सोनिया ने मेज थपथपाई, लेकिन राहुल अपना मोबाइल ही देखते रहे। राष्ट्रपति ने जब उरी और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया तब भी सोनिया ने मेज थपथपाई, लेकिन राहुल नीचे ही देख रहे थे। सोनिया ने 1-2 बार उनकी तरफ देखा, लेकिन राहुल जस के तस ही बैठे रहे। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार 1 की सफलताएं भी गिनाई और कहा कि नई सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पर अमल करेगी, लेकिन ऐसे गंभीर समय पर इतने बड़े नेता का गैर जिम्मेदाराना रवैया उनके व्यवहार पर तो सवाल उठाता ही है। साथ ही ये भी दिखाता है कि परिवार की विरासत के चलते भले ही राहुल एक पार्टी के अध्यक्ष हों, लेकिन उनमें अब तक सियासी परिपक्वता नहीं आई है और वो अब भी अपनी भूमिका को लेकर गंभीर नहीं है। माननीय सदस्यगण, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में 17वीं लोकसभा का चुनाव होने के बाद संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस लोकसभा के लिए निर्वाचित सभी सांसदों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। भीषण गर्मी में भी लोगों ने लंबी कतारों में खड़े हो रहकर अपना वोट दिया है। इस बार महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है और उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है। करोड़ों युवाओं ने पहली बार मतदान करके भारत के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। मैं लोकसभा के नए अध्यक्ष को भी उनके इस नए दायित्व के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
विश्व के सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया की सफलता में प्रशासन तंत्र के अनेक विभागों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों का योगदान अत्यंत सराहनीय है। इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की विविधताओं का प्रतिबिंब इस संयुक्त सत्र में दिख रहा है। हर आयु के, गांव और शहर के, हर प्रोफेशन के लोग दोनों सदनों के सदस्य हैं। अनेक सदस्य समाज सेवा से हैं, बहुत से सदस्य कृषि के क्षेत्र से हैं, व्यापार और अर्थ जगत से हैं, तो अन्य बहुत से सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से हैं, लोगों का जीवन बचाने वाले मेडिकल प्रोफेशन से हैं, लोगों को न्याय दिलाने वाले लीगल प्रोफेशन से हैं, फिल्म कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले सांसदगण भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के विशेष अनुभवों से संसद में होने वाले विचार विमर्श और समृद्ध होंगे। माननीय सदस्यगण, इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। वर्ष 2014 से पहले देश में जो वातावरण था उससे सभी देशवासी भली भांति परिचित हैं। निराशा और अस्थिरता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए देशवासियों ने 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी। उस जनादेश को सर्वोच्च मान देते हुए मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने इसी वर्ष 31 जनवरी को इसी सेंट्रल हॉल में कहा था कि मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। बीते 5 वर्षों के दौरान देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बेहतर बनाने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जनादेश मांगा गया। देश के लोगों ने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी सरकार जनसाधारण को इतना सजग, समर्थ, सुविधायुक्त और बंधन मुक्त बनाना चाहती है कि अपने सामान्य जीवन में उसे सरकार का दबाव, प्रभाव या अभाव न महसूस हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है। नए भारत की यह परिकल्पना
केरल की महान आध्यात्मिक विभूति, समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरु के इन सद्विचारों से प्रेरित है। जाति भेदम मतद्वेषम युदोम इल्लादे सर्वरोम सोध रत्वेन बाडुन मातृ का स्थान मानित, अर्थात एक आदर्श स्थान वो है जहाँ जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। 3 सप्ताह पहले 30 मई को शपथ लेते ही सरकार नए भारत के निर्माण में और तेजी के साथ जुट गई। एक ऐसा नया भारत जहाँ हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों, जहाँ प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्मसम्मान बढ़े, जहाँ बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हो, जहाँ आदर्शों और मूल्यों की हमारी बुनियाद और भी मजबूत बने और जहाँ विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। यह नया भारत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा जहाँ लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे। गुरुदेव के शब्दों में, चित्तो जेथा भय सुनो उच्चो जेथा शीर। माननीय सदस्यगण, हर भारतवासी के लिए यह गौरव का विषय है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे। नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना मेरी सरकार का संकल्प है। नए भारत के इस पथ पर ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त बनेगा। नए भारत के इस पथ पर उद्यमी भारत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी।